ओम श्री परमात्मा ने अथ तृतीय अध्याय अर्जुन उवाच चिकित्सा लोक संग्रह न बुद्धि भेदम चलिए
मौसम कौन कुटिल खल काबू
सूरदास जी ने तो ये भजन गाया, लेकिन सूरदास जी तो महापुरुष है, वो अपने लिए नहीं गा रहे, वो हम लोगों के लिए गा रहे जो संसार में भगवान की तरफ नहीं चल। कोरोना में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर ब्लैक में 25,000 के लिखे, 50,000 के, क्योंकि जान को बचाना है तो बैंक में जितनी जमा थे वो सब पैसे निकाल के ऑक्सीजन खरीद रहे थे, और वो खुली हवा में हम लोग सांस लेते बिना पैसे दिए। और नास्तिक व्यक्ति पूछता है कि भगवान को क्यों पूजे, अरे ये जो तू बोल रहा है ना भगवान को क्यों पूजे, इतनी जो शक्ति है ना ये भगवान से आ रही है, अगर वो अपनी हवा ले लेना ऑक्सीजन तो तू ये भी बोल नहीं पाएगा। तो भगवान ने इसमें कहा कि जो भगवान को अर्पित नहीं करता ये पदार्थ और ऐसे ही खा लेता है, अन्न खा लेता है, पानी, पानी भी भगवान का नाम लेके पीना चाहिए। आप गिलास में पानी पीते हो तो नारायण गोविंद हरि मुरारी करके तब पीजिए। नार माने जल, अयन माने जो वास करते हैं, जल में जो रहते हैं उन्हीं से जो जीवन है। वैज्ञानिकों ने तो आर्टिफिशियल पानी बनाया लेकिन उसमें जीवन नहीं था, उसमें जल जलीय जीवों को रखा गया तो उसमें मर गई मछली वगैरह, लेकिन भगवान तो नेचुरल जल है उसमें जीवन है। तो तीसरे अध्याय का ये सार है, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते, ओ काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, इस अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग। तो भगवान का ये तीसरा अध्याय बड़ा ही मुख्य है, कर्म योग है, कर्म करते रहे फिर देखो आपको कोई भी बंधन नहीं लगेगा। चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे।